जी की आवाज से आपका दोस्त। ये पानी का कोई जलजला नहीं है, ये पानी की कोई नदियां नहीं बह रही है कि पहाड़ से पानी आ रहा है। ये आप देख रहे हैं पानी का ये सैलाब जो आ रहा है, ये जन स्वास्थ्य विभाग की कारगुजारी का एक नतीजा है कि यहाँ के वार्ड नंबर 9 के बासिंदे मेरे साथ खड़े हैं जो प्रदर्शन बराबर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, फोटो लेकर के ये बता रहे हैं कि 3 दिन से ये पानी का नाला चौक हुआ हुआ है, जो यानी पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी है इस सीवर सिस्टम को ठीक करने की। तो यहाँ पानी घरों में भी घुसता जा रहा है। ये ऐतिहासिक बर्सी गेट मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐतिहासिक बर्सी गेट अंतरिक्ष भूमि जहाँ ये सारा पानी बहकर किसानों के अंदर जा रहा है। हम जानते हैं वार्ड नंबर 9 के प्रशासन से कि ये क्या समस्या है, पिछले दिन से ये समस्या बराबर बनी हुई है। बताइए, ये करीब 3 साल पहले बंसल साहब नाला रुका था। जी जी जी। तो मैंने अपने खर्चे पे इसको साफ ठीक कराया था उस टाइम। अब ये नाला रुक गया है। मैंने नगर परिषद के जो हमारे सेंटी साहब हैं उनको मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, उनके कोई कानों पे जू नहीं रखती, कभी वो दफ्तर में नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ झूठी अफवाहें होते हैं। भेज रहा हूँ कर्मचारी, भेज रहा हूँ, नहीं कोई कर्मचारी नहीं आया। नगर परिषद के चेयरमैन ने, ये नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जिम्मेवारी है। नहीं, ये नगर परिषद का नाला है। हाँ। अगर नगर परिषद का नाला नहीं खुलता तो पब्लिक हेल्थ के अंदर लोगों को समस्या के हल के लिए मशीन लाई हुई है। हाँ। मैंने वहाँ जय को भी बोल दिया, ठेकेदार को भी बोल दिया, लेकिन कोई हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा यहाँ पे। जिसके कारण लोगों की दुकानें का जो व्यवसाय है बंद होने को हो रहा है। लोग दुकान बंद करके अपने घर पर बैठने का मजबूर हो रहे हैं। आप इसका देख सकते हो, जिससे बीमारी फैलने लग रहा है। और ये हमारा ऐतिहासिक बरसी गेट है जो हमारे आशी की शान है। इसके बाहर देखो इतना कूड़ा करकट क्या है, प्रशासन सोया हुआ सारी तरफ से। 3 दिन पहले जब ये नाला रुका तो आपने प्रशासन को भी चेताया मैंने, उनको चेतावनी भी दिया, अगर ये खुलता तो ठीक है, नहीं हम धरने पे बैठेंगे, लेकिन उनके कानों पे कोई जूर नहीं रहेगी। हमारे जो नगर परिषद के सेंट्री साहब है, सिर्फ और सिर्फ वो फोन के सेंट्री इंस्पेक्टर है, उसको कोई काम करने का कोई आदर नहीं है। तनख्वाह लेने के इंस्पेक्टर है वो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपका आरोप है बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर आरोप है। जो पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब है उनको भी चेताया जा चुका है, जय साहब को भी चेताया जा चुका है। सिर्फ एक झूठे स्वादन मिले सुबह के, हम 7 बजे खड़े हैं, आधे घंटे मशीन आ रही है, 1 घंटे में आ रही है, कभी उसमें तेल डलवाना है, कभी कुछ है। इतना रिफंड सरकार हमको दे रही है, सरकार दे रही है, इतना बजट आया हुआ है, फिर उनके पास पब्लिक हेल्थ के पास गाड़ी में खिलवाने के लिए तेल नहीं है, इससे बड़ी समस्या क्या होगी। यानी कि आपके इसके साथ आपके सीवर भी रुक गए हैं क्या? सारा सौदा ब्लॉक हो गया जी, सारे दुकानें बंद हो, सीवर तो रुके हैं, ये भी ब्लॉक होने की दुकानें भी। विरोध करने के बाद जो गाड़ी पहुंची है, बताओ यहाँ अब ये पहुंची है पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की गाड़ी है जो नाले को यानी कि इसको जो चौक हुआ हुआ है उसमें पाइप डाल के उसको ड्रेन करेगी। क्या ड्रेन सीन का परमानेंट हल होगा ये बाद में पता लगेगा। आइए ये बताइए, हल निकल आएगा, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ इसको ही भेजने में असमर्थी है। हमने विधायक साहब को कहा है, विधायक साहब ने एक गाड़ी भेजी है, लेकिन एक पार्षद होने के नाते हमारी बात कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक के कहने से गाड़ी भेजती है, विधायक अगर ये साफ होता है हम विधायक का धन्यवाद करते हैं। नगर परिषद के जो अधिकारी है अनिल बंसल की छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं। और जब नगर परिषद का उनका कहीं से सहयोग नहीं मिलता तो अपने पैसे लगा कर काम करते हैं शहर में। आज इनको जो है लोग बैठे बंडाई चुन रहे हैं, इनके उनके पक्ष में आज विरोध में कोई आदमी खड़ा होने लायक नहीं है। हाँ बताइए बंसल साहब, आप तो एक सामाजिक संस्था से जुड़े हैं। ये जो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कई सालों से बिल्कुल नकारात्मक है। इसकी सीवर लाइनें जगह जगह रुकी हुई है। आप जींद रोड पे जाओगे, पानी की लाइन 6 जगह से लीक है, और कई बार हम फोन पर भी कह चुके हैं भाई ये पानी की लाइन लीक है, जिससे अभी कुछ 6 महीने पहले सड़क बनी थी, सारी सड़क बैठ गई है। और अभी भी सीवर के ढक्कन अगर आप जाओगे तो जगह जगह खुले पड़े हैं। ये थी एक रिपोर्ट, यानी कि पहले भी एक बच्चा सीवर में नगर मर गया था। नगर पार्षद अनिल बंसल जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद, उनका कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो विधायक महोदय ने यानी कि फोन किया जब पब्लिक हेल्थ के लिए ड्रेन की करने वाले नाला ड्रेन करने वाली एक मशीन पहुंची है, और बार बार जन स्वास्थ्य विभाग को चेताया जा रहा है, नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर को चेताया जा रहा है, लेकिन नतीजा सिफर निकलता है। देखते हैं कि ये ड्रेन मशीन
इनका कितना समाधान कर पाती है, क्या एक पार्षद के कहने से नाला साफ नहीं होता, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं और बड़े बड़े खतरा हैं। अब इनको कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आगे बताएंगे, ये कितना देन कर पाते हैं। मैं राजीव बंसल, हाँ बताइए आप। मैं पब्लिक हेल्थ से एक दरख्वास्त और करूँगा कि आज हासी शहर के अंदर काफ़ी ऐसे सीवर है जिसके ढक्कन खुले हुए हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि भाई है ना, हमारी जितने भी सीवर के ढक्कन शहर के अंदर खुले हैं वो सभी ढकवाए जाए। ये था पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद के संयुक्त जिम्मेवारी का एक नज़ारा, जो वार्ड नंबर 2 यासिक बख्शी 1 के अंदर पानी का जलजला यानी कि गंदे पानी का नाला चौक हुआ हुआ है। और लोगों के प्रदर्शन के बाद, पार्षद की सुनवाई न होने के बाद विधायक महोदय ने खुद संज्ञान लिया और गाड़ी भेजी है, जिसके बाद देखते हैं क्या हाल होता है। सर्दी का मौसम है, घरों में गंदा पानी जा रहा है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पानी को निकालने की यहाँ पहुँची है। इसके बाद क्या हाल होगा जब हम आपको दिखाएंगे, यानी कि पूरे शहर के अंदर बताया जा रहा है कि मेन होल खुले पड़े हैं, वहाँ आदमी और पशु भी वहाँ उसमें गिर जाते हैं। इस बात का लिए कि ये लोग बड़े आक्रोशित हैं, इसके बाद क्या होगा ये राम जाने भगवान जाने। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा हासी मीडिया आवाज़ चैनल को। मैं फिर लेके आता हूँ एक नई समस्या। धन्यवाद, नमस्कार।